वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार का फाइनल बजट पेश किया। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जहां किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को राहत नहीं मिली। जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। गरीब महिलाओं की लकड़ी के धुएं से मुक्ति के लिए मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। शुरुआत में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस योजना की गति को देखकर महिलाओं इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी। हालांकि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिर से शुरुआत की है और इसके तहत 40,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा अब म्यूचुअल फंड की कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पिछले 3 साल में भारत की औसत वृद्धि दर 7.5% रही है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में कई मौलिक सुधार किए गए। विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान बजट में विदेशों से लग्जरी कार मंगवाने पर अब ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, तो फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पर 5% की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। वहीं विदेशी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप के भी दाम बढ़ेंगे। मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15-20% किया गया। टीवी के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 अहम कदम, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित होंगे, तो 10 करोड़ गरीब परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लाया जाएगा। 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। 2022 तक हर गरीब को घर दिए जाएंगे। वहीं अब तक 6 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं, 2 करोड़ और शौचालय बनाए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन से बड़ा लाभ पहुंचा है। इस मिशन के तहत सरकार ने अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटी की शिक्षा और पूरे परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है। पिछले 3 वर्षों से सरकार की योजनाएं का केंद्र गरीब रहा है, मध्यम वर्ग रहा है। ये सरकार गरीब की छोटी छोटी चिंताओं और बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कोशिश करती रही है। वहीं किसानों के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण बताया कि देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। पशुओं के संवर्धन के लिए गोवर्धन योजना चलाई जाएगी। भोपाल से EMS TV के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट।